मोबाइल फोन साडियां अखां दे उपर ज्यादा असर पाउंदा है जां साडे दिमाग दे उपर? अनानास ते फल नूं तैयार होण दे विच किन्ना समां लगदा है? तुसी एसी दे विच बैठ के भी अपना वजन किस तरह घट कर सकदे हो? कुर्सियां दे विच इस तरह दीआं गलियां क्यों हुंदीआं ने? अजिही रोचक तत चैनल लई जुड़े रहो मेरे नाल। मैं तुहाडा होस्ट जसप्रीत सिंह ते तुसी देख रहे हो जो टीवी मीडिया। जिस पाइन एप्पल नूं असीं मिंटां दे विच खा जांदे हां, उस पाइन एप्पल दे फल नूं उगण दे विच 3 तों 4 साल लगदे हन। मतलब कि पाइन एप्पल दा पौधा 3 तों 4 साल दे विच जदों पूरी तरह नाल उग जांदा है, उस तों बाद ही उस दे उपर पाइन एप्पल लगणे शुरू हुंदे ने। पर जेकर किसी कारण पौधा सही स्थिति दे विच ना होवे तां उस दे उपर पाइन एप्पल लगण नूं 7 तों 8 साल लग जांदे ने। महाराष्ट्र के एक स्कूल दे विच हिंदी किताब के चैप्टर 7 के उपर महेंद्र सिंह धोनी जाने के क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी बारे लिखा गया है। इस चैप्टर के विच उन्हां दी जीवनी के बारे सारा लिखा गया है कि महेंद्र सिंह धोनी किस तरह एक सफल क्रिकेटर बने ते उन्हां दी जिंदगी दे विच की उतरा चढ़ा आए सन। पूरी दुनिया के सिर्फ 2% लोग ही अजिहे ने जिहड़े कि सिर्फ 5 घंटिया की नींद लैके अपने दिनचर्या के सारे काम पूरी चंगी तरह के न कर लेंगे ने। जिहड़े 2% लोग 5 घंटिया की नींद लेंदे ने, यह बिना चाह ते कॉफी ते दिन के 1 मिनट भी सुते तो बिना अपने सारे कामों नूं बहुत चंगी तरह के न कर लेंगे ने। यह 24 घंटिया के सिर्फ 5 घंटिया की नींद लैके ही अपने सारे दिन का गुजारा कर लेंगे ने। इन्हां लोगों नूं स्लीपलैस लाइट कहा जाता है। 1960 तो पहला डिजनीलैंड दे विच लंबे बालों वाला आदमी नहीं जा सकता सी, पर हुण अजिहा नहीं है क्योंकि लोगों नूं उस समय भी यह काफ़ी ज़्यादा गलत लगता सी, इस करके डिजनीलैंड ने हुण यह रूल हटा दिता है। यह रूल बनाउण दे पिछे असल कारण की सी डिजनीलैंड ने अज तक भी यह कदे किसी नूं नहीं दस्सिया। तेलंगाना दे विच एक अजिहा पिंड है जिथे हर रोज 8:52 के उपर समा कुछ समय के लिए रुक जाता है, चाहे उत्थे कोई भी उस समय केड़ा भी काम कर रहा हो, सारे 8:52 सीधे खड़े हो जाते हैं क्योंकि उस समय तेलंगाना के इस पिंड दे विच हर रोज नैशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय गीत बजाया जाता है। तेलंगाना के नौलगोडा शहर दे विच यह हर रोज किया जाता है, चाहे उत्थों दे लोग कितना भी जरूरी काम क्यों ना करते हो, वह सारे नैशनल एंथम के आदर दे विच जरूर 8:52 ते खड़ जाते हैं। इस तरीके दे नाल तुसी एसी दे विच बह के भी अपना भार घट कर सकते हो। जदों लोग भार घटाउंदे ने तां उह अपनी फैट नूं बर्न करदे ने। जिहड़े लोग एसी दे विच बह के भार घटाउणा चाहुंदे ने उहनां नूं एसी दे विच पैण समय पतली चादर लेनी चाहीदी है क्योंकि जदों तुहानूं ठंड लगेगी तां तुहाडा दिमाग तुहाडे शरीर नूं गर्म रखण दे लई फैट नूं बर्न करेगा। इस तरह लगातार अजिहा करन दे नाल तुहाडी फैट बर्न होवेगी ते तुहाडा भार कुछ हद तक घट जाएगा। इस तरीके दे नाल थोड़ा बहुता फर्क तां पैंदा है, पर असल दे विच भार घटाउण दे लई तुहानूं नैचुरल एक्सरसाइज करनी चाहीदी है। जिहड़ी ये तुसी मच्छी देख रहे हो ये अपने पूरे शरीर के नाल किसी भी तरह के खाने नूं चख सकती है। कैटफिश का जिहड़ा पूरा शरीर हुंदा है, इसके पूरे शरीर के उपर स्वाद लैण वाले ग्लैंड बने हुंदे ने। यह भी एक कारण है जिसके कारण इसका पूरा शरीर चीकना हुंदा है, जिवें कि इसके पूरे शरीर के उपर थुक लगिया होवे। आने वाले 5 तों 7 सालों के पेट्रोल पूरी तरह के खत्म होने वाला है। इंडिया के जिहड़े रोड मंत्री ने नितिन गडकरी, उन्होंने मानना है कि आने वाले 5 सालों के भारत के पेट्रोल पूरी तरह के खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहना है कि आने वाले 5 सालों तक तुहाडी कार ते मोटरसाइकिल पूरी तरह के इलैक्ट्रिक हो जाएंगे। 5 सालों के बाद इंडिया के सारे व्हीकल इथोनोल LPG या CNG के चलेंगे। उन्होंने वालों 5 सालों बाद इंडिया के पेट्रोल को पूरी तरह के हटाने की कोशिश की जा रही है। साउथ कोरिया के जिहड़े लोग ने नॉर्थ कोरिया के लोगों के नालों औसतन पूरे 4 सेंटीमीटर लंबे होंदे हन क्योंकि हर देश के अलग अलग तरह का खाना खाधा जाता है, तो उत्थों का वातावरण भी अलग अलग होंदा है। अलग अलग रहन सहन के कारण ही दक्षिणी कोरिया के लोग उत्तरी कोरिया के लोगों के नालों 4 सेंटीमीटर लंबे होंदे ने। इस फिल्म दे विच असली इंसानी पिंजर की वरतों की गई सी। ओल्टस नामडॉक नाम की इस ड्रोनी फिल्म दे विच अजिहा किया गया सी। इस फिल्म का बजट काफ़ी घट सी ते उस समय नकली स्केल्टन काफ़ी ज़्यादा महंगे होंदे सन, उत्थे ही असली स्केल्टन काफ़ी ज़्यादा सस्ता पैंदा सी। उन्होंने एक कवर पुट्टी ते उस दे विचों असली स्केल्टन नूं बाहर कढ़ लिया ते इह फिल्म जदों रिलीज़ हुंदी है तां काफ़ी ज़्यादा हिट रहिंदी है, पर कई लोगों का मानना सी कि इह फिल्म नूं शराप लग गया है जिस दे कारण इह फिल्म दे विच 5 महत्वपूर्ण किरदार निभाउण वाले इंसानां दी मौत फिल्म दे रिलीज़ होण तों बाद हो गई सी। जेकर तुहाडी महीने की आमदन 30 तों 50 हज़ार रुपए के विचकार है तां तुसी इंडिया दे विच रहण वाले 90% लोगों तो ज़्यादा अमीर हो, ते जेकर तुहाडी आमदन 15 तों 20 हज़ार के विचकार है तां तुसी इंडिया दे विच रहण वाले 70% लोगों तो ज़्यादा अमीर हो। एक काफ़ी ज़्यादा फनी फैक्ट है कि असी इन्नी दूर वसे हुए ग्रह और उत्थों दी गलैक्सियां दी फोटो तो काफ़ी ज़्यादा साफ ले लेंगे हाँ, पर जो साडे घर जां दुकान दे विच चोरी होंदी है उत्थों दे असी CCTV नूं चैक करते हाँ तो चोर का चेहरा कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इस नूं देखण नूं अजिहा लगता है कि जिवें CCTV ने कोई नशा करके रिकॉर्डिंग की होवे। सब तो लंबी चलण वाली ताश की पोकर गेम लगातार 8 साल तक चली सी। लगातार 8 साल पोकर गेम खेडण तो बाद इस नूं अपना जेतू मिलिया।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਆਊਲ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਲੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਲੂ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਨਰ ਅਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਣ ਕਿ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਉੱਲੂ ਦੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਯੂਰੇਨਸ ਪਲੈਨਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਯੂਰੇਨਸ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਸਨ 1781 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅੰਟਾਰਟਿਕਾ 1820 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਟਲ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੈਕ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਉਸ ਦੀ ਢੂਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਰੋਚਕ ਤੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਪੇਜ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।